गरे नी दसानी गरे गरे नी दसानी गरे गर। डागरवाणी परंपरा के ध्रुपद गायक उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन खान डागर अपने गंभीर शांत और शुद्ध गायन के लिए उन्हें सदा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। हमते तुमते रसरीति बढ़े तुमते नहीं नेक दगा करी है तनते मनते गुनते धनते प्रीत के पंत बगा करी। शास्त्रीय गायन का प्राचीनतम रूप ध्रुपद जिस कड़े अनुशासन और रियाज की मांग करता है उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन खान डागर उससे कभी पीछे नहीं हटे। डागर परिवार की संगीत धारा के तार मुगल बादशाह बाबर के जमाने से जुड़े हैं और इस धारा के एक प्रमुख स्तंभ थे पद्मभूषण उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन खान डागर। वो जितने कुशल गायक थे उतने ही सिद्ध गुरु भी। ओम ओम नाद नाद ब्रह्म ब्रह्म। क्योंकि एक बात और भी है कि इसमें गांठ नहीं लगाई जाती। अच्छा अब ये जो है आप अपने खा लीजिए। अच्छा अल्लाह का नाम लेकर फूल किसके साथ सबके साथ। अच्छा बिस्मिल्लाह। ये जो हार्ड है तो ये यहाँ से कवर होगी। अच्छा। तो ये हार्ड नहीं होगी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसके ऊपर जब आप आगे का काम करेंगे तो ये चूंकि पूरा वर्क कर रहा है इधर बहुत साइंटिफिक सिस्टम है तो अगर आप कर रहे हैं तो ये भी हार्ड है। ये यहाँ से हार्ड हो गया तो आगे जाके बहुत मुश्किल होगा। गुर बिन कह दे गुण आवे गुर न मौन तो। शास्त्रीय गायन की बुलंदियों पर पहुंचे उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन खान डागर ने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी। Oh, my God.